हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपिन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जाने से वीडियो शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने आती हैं, जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने आती हैं, जनाजे के लिए तो सभी रास्ते छोड़ देते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्स आपके नजदीक आ रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, बहुत तेज चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो दोस्तों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखिए, यहाँ पे आपका एक डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम ये भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में तो इस बार ये श्योर पूछेगा, ये मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूं 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में कई बार ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमें जो दिया हुआ है, मैं भी बताता हूं, निखिल सर भी बताते हैं, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। ये हमें गिवन दिया हुआ है दोस्तों। और देखिए, जितने भी वेक्टर्स आपको यहाँ पे चीज देखना होगा, आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों, ये मेरा क्या है, वन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वन का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है उसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वन, सबका देखिए मॉडुलस ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरा वन यूनिट आया है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी को सी डॉट बी भी लिख सकते हैं, सी डॉट ए और ए डॉट सी, हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेंगे। अब देखिए, हमारा जो इक्वेशन नंबर वन था, फ्रॉम वन, देखिए मेरा इक्वेशन नंबर वन ये है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोनों तरफ आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, बोथ साइड्स बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या आपको मिलेगा, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होते जीरो हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा ये। और यहां पे हम क्या करेंगे, इसका देखिए, ए से ए मल्टीप्लाई होगा तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए पूरा क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ए से होगा तो मॉड ऑफ ए आएगा, बी से होगा तो ए डॉट बी आएगा, और ए से सी से होगा तो ए डॉट सी आ जाएगा। इसी तरह से बी मेरा होगा, इसी तरह से मेरा सी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखिए, वेक्टर ए यहाँ पे क्या आ गया मेरा, तो देखिए मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस टू। देखिए, ये ए डॉट बी और बी डॉट ए मेरा सेम है, ठीक है, ए डॉट सी और सी डॉट ए सेम है। इसी तरह से मेरा देखिए दोस्तों, बी डॉट सी और सी डॉट बी भी मेरा यहाँ पे सेम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए ले लूंगा, ठीक। और मॉडुलस ऑफ ए क्या मैंने आपको बताया था, वन है ही, तो यहाँ पे सबके जगह वन प्लस वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा मेरा, थ्री आ जाएगा, प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए, ये जो थ्री होगा मेरा इस साइड चला जाएगा आरएचएस की तरफ, तो क्या आ जाएगा, टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब देखिए, टू नीचे चला जाएगा तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस थ्री अपॉन टू। और दोस्तों, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसे आप लिख लेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आपको दिया हुआ था। दोनों तरफ आप क्या करिए, इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करेगी और तभी हमें इसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू, यही हमें चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप इसको याद रखिए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक रिजल्ट भी है, जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे या बीएचयू कोई भी एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। लेकिन कब एप्लीकेबल होगा, जब मॉड ए वन, मॉड बी वन और मॉड सी वन होगा तब, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर होना चाहिए तीनों, तभी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, टू यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वन वन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस थ्री होगा, और इसी तरह से मेरा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें लाइक करके कमेंट करके चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों नोटिफिकेशन बिल को भी टैप करें। और दोस्तों, मैं निखिल सर, पूरी एपिन क्लासेस की टीम आपके साथ लगी हुई है, तो आप सभी तैयारी अपनी अच्छे से करिए। थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज एंड।